नमस्कार दोस्तों, दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप एक नए क्रिएटर हो, अगर आपने अभी हाल ही में नया यूट्यूब चैनल बनाया है और आपका चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो पा रहा, आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत अपने वीडियोस के अंदर कर रहे हो, एडिटिंग के अंदर कर रहे हो, थंबनेल भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप बना रहे हो, लेकिन जब आप सारी की सारी मेहनत करने के बाद में, सारे का सारा तरीका अपनाने के बाद में, फिर जब अपने वीडियोस को YouTube के प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हो, अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड करते हो, उसके बाद में भी आपकी मेहनत के अनुसार आपके वीडियोस के ऊपर व्यूज की प्राप्ति नहीं हो पाती है और आपके चैनल की ग्रोथ भी बहुत ही रेंग रेंग के हो पाती है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी बताने वाले हैं कि अगर आप एक नए क्रिएटर हो और आप अपने चैनल की ग्रोथ बहुत तेज़ी से करना चाहते हो, तो आप अपने चैनल के अंदर छोटा सा बदलाव कर अपने चैनल की ग्रोथ बहुत तेज़ी से कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी जानकारी जरूर बताना चाहूँगा। अगर आपको अपने YouTube चैनल को प्रमोट कराना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको Instagram का लिंक दिया जा रहा है। Instagram के माध्यम से आप अपनी चैनल की इन्फॉर्मेशन हमारे तक भेज सकते हो ताकि हम हमारे अगले वीडियो के अंदर आपके चैनल को प्रमोट कर सके, जिससे आपके वीडियोस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज की प्राप्ति होती रहे और आपका चैनल भी दिन प्रतिदिन ग्रो होता चला जाए। तो हम बात कर रहे थे नए जितने भी क्रिएटर हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यही उत्पन्न होती है कि वो अपने तैयार वीडियोस के ऊपर किस प्रकार से ज़्यादा व्यूज की प्राप्ति करें और किस प्रकार से अपने चैनल को वो तेज़ी से ग्रो कर सकें। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और ये एक या दो या पाँच या दस दिन का काम आपको नहीं है, ये कम से कम आपको 90 दिनों तक, यानी कि मैक्सिमम कह सकते हैं कि 90 डेज तक आपको रेगुलर मेहनत करनी होगी और बिल्कुल आपको हार नहीं माननी जब तक आपके YouTube चैनल का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हो जाए। और अगर आप चाहो, अगर आपने मन में ठान ली, तो आप अपने YouTube चैनल का क्राइटेरिया 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आवर मात्र 90 दिन के अंदर, यानी कि 3 महीने के अंदर बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। इसके लिए आपको छोटा मोटा अपने अंदर, छोटा मोटा अपने चैनल के अंदर बदलाव करना होगा और वो बदलाव करने के बाद में डेफिनेट आप अपने चैनल की ग्रोथ बहुत तेज़ी से कर सकते हो और अपने चैनल को मोनेटाइज भी आप बहुत जल्दी से जल्दी कर सकते हो। तो सबसे पहला जो बदलाव आपको करना है, सबसे पहला जो काम आपको करना है, वो रेगुलर वीडियोज़ आपको करने होंगे, यानी कि किसी भी दिन आपको अपने वीडियोज़ अपलोड करना मिस नहीं करना। कोशिश यही कीजिए कि एक या दो वीडियोज़ आप बैकअप के रूप में ज़रूर रखिए कि किसी कारणवश कोई दिन आप वीडियोज़ ना बना पाओ या कोई काम आपको निकल आए या कहीं पर आपको जाना पड़ जाए, तो आप उस कंडीशन के अंदर अपने बैकअप में से कोई भी वीडियोज़ बना हुआ है उसको निकाल कर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर सको, जिससे आपकी ऑडियंस आपसे जुड़ी रह सके और आपके वीडियोज़ के ऊपर रेगुलर व्यूज़ की प्राप्ति होती चली जाए। और दूसरा बदलाव है कि आपको टॉपिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आपको रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, कोशिश यही कीजिए कि जो भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियोज़ बना रहे हो वो ट्रेंडिंग टॉपिक हो या फिर ऐसा टॉपिक हो जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज हो। अगर आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग टॉपिक रखोगे या फिर अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक को सिलेक्ट करोगे, तो डेफिनेट आप अपने प्रत्येक वीडियोज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ की प्राप्ति करते चले जाओगे और जिन ऑडियंस को आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती चली जाएगी और वीडियोज़ को लाइक भी करते चले जाएंगे और आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले जाएंगे। और तीसरा बदलाव आपको करना है अपने वीडियोज़ की साइज़ के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक नए क्रिएटर हो तो अपने वीडियोज़ को आप छोटा बनाइए। जितना ज़्यादा छोटा वीडियोज़ आप बनाओगे उतना ज़्यादा ही आपके वीडियोज़ का ऑडियंस रिटेंशन हाई रहेगा और आपका वीडियोज़ ऑटोमेटिकली वायरल होता चला जाएगा। अगर आपके वीडियोज़ का ऑडियंस रिटेंशन 40% या 40% से अधिक रहता है, तो डेफिनेट आपके वीडियोज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ की प्राप्ति होती रहेगी और आपका चैनल भी दिन प्रतिदिन ग्रो होता चला जाएगा। और चौथा बदलाव आपको करना है अपने वीडियोज़ की एंड स्क्रीन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आप जो भी वीडियोज़ अपलोड कर रहे हो, कोशिश यही कीजिए कि आप अपने प्रत्येक वीडियोज़ के अंदर एंड स्क्रीन का जरूर इस्तेमाल कीजिए। एंड स्क्रीन से क्या होगा, जो भी ऑडियंस आपके कंप्लीट वीडियोज़ को वॉच कर रही है वो उस एंड स्क्रीन के माध्यम से आपके दूसरे वीडियोज़ के ऊपर भी डायरेक्टली जा सकती है और उस वीडियोज़ के ऊपर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ की प्राप्ति होती चली जाएगी और आपका वॉच टाइम आवर भी इंक्रीज होता चला जाएगा। और जिन ऑडियंस को आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती चली जाएगी वो वीडियोज़ को लाइक भी करेंगे और आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले जाएंगे। और पांचवा जो बदलाव है, आपको अपने थंबनेल में थोड़ा सा सुधार करना होगा। जितना समय आप अपने वीडियोस में बनाने में देते हो, जितना समय आप अपने वीडियोस की एडिटिंग में देते हो, उतना ही समय आप अपने वीडियोस का थंबनेल बनाने में दीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं तो ये कहूँगा कि उससे ज़्यादा समय हो सके तो आप अपने वीडियोज़ का थंबनेल बनाने में दीजिए और थंबनेल को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाइए, थोड़ा सा आकर्षक बनाइए और थोड़ा सा
प्रोफेशनल भी आपको बनाना होगा, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस का ध्यान खींच कर ला सके आपके थंबनेल की ओर, और आपके थंबनेल को देखने के बाद में उनको मजबूर कर दे आपके वीडियोस को ओपन करने पे। और जिन ऑडियंस को आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती चले जाएगी, वो वीडियोस को लाइक भी करते चले जाएंगे और आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये छोटे छोटे 5 बदलाव अगर आप अपने वीडियोस के अंदर, अपने चैनल के अंदर और अपने अंदर अगर आप करते हो, तो डेफिनेट आपके वीडियोस और आपका चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो होगा और आप अपने चैनल का मोनेटाइजेशन मात्र 90 दिन के अंदर अनेबल करा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये छोटे छोटे बदलाव आप मात्र 90 दिन तक करके देखिए और देखिए आपके चैनल के अंदर कितना ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिलता है और कितना ग्रो आपका चैनल होता है। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।